शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज तो भैया की सारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, पनीर। दाल मखनी भूल गई मैं। उफ़ क्या है भैया, क्यों नहीं आया? ज्योति, क्या है इसमें? मेरा मेकअप का सामान है। क्यों, ये इतना सारा मेकअप का सामान? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, शर्म आनी चाहिए ज्योति तुझे। अपना ससुराल छोड़ के तू यहाँ मायके में बैठी है, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही है, ऊपर से तेरे ये फिजूल के खर्चे। अरे पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अच्छा, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही मैं, और जो दिन भर नौकरानी की तरह घर में काम करती रहती हूँ वो नहीं दिखाई देता आपको? हाँ, मैं करती हूँ फिजूल खर्चे, लेकिन अपने भाई का करती हूँ। और आप कौन सा मायके से लेकर आई थी जो मुझे इतना चिल्ला रही है? ज्योति, मैं तुझे समझा दे रही हूँ, मेरे मायके पे मत जाना। क्यों, आप मेरे ससुराल पे जा सकती हैं और मैं आपके मायके पे नहीं जा सकती? जानती हूँ मैं आपके मायके वालों को, ढंग से दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती उन्हें। वो तो शुक्र मनाओ मेरे भाई ने आपको पसंद कर लिया, इसलिए रानी बन के बैठी हूँ और मुझे ही ताना मार रही है। हाँ हूँ मैं गरीब परिवार से, पर तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ। कम से कम मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। मुझे तो लगता है कि दीपक सही कह रहा था। अरे जरूर तेरा कोई चक्कर होगा, तभी दीपक ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला और पलट कर देखा नहीं। जैसा भाई है वैसी ही बहन है। भाभी, भैया को बीच में मत लाओ वरना सही नहीं होगा। बुआ, माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुझा के हाथ धोकर आ, देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है। हाँ मैं हाथ धुल कर आता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प?
तुम्हें तो पता है ना कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने लोन भी अप्लाई करा है। मुझे लोन भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास गारंटी के तौर पे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी मदद कर दो प्लीज प्लीज सागरती। अच्छा तुम कितने लोन के लिए अप्लाई कर रही हो? बस 5 लाख। तुम्हारी हेल्प मैं करूँ। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो, चाहो तो एडवांस में भी मिल सकता है। अच्छा अंकित, मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है। ले, जल्दी से इसको पहन ले, अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। वाह बुआ, थैंक यू सो मच। अरे तू तो खा क्यों नहीं रहा है? ये ले, जल्दी खा। बता कैसा बना है? बुआ इसमें तो घी नहीं है। अंकित चुपचाप खाना खाना, घी नहीं मिलेगा। भूल गया तू? डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना ज्यादा घी तेल का खाना खाने के लिए। बेटा वो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ आपको पता है ना, बिना घी के मैं दाल नहीं खा पाता हूँ। भाभी खाने दो ना, कभी कभी तो खा ही सकते। रुक मैं तेरे लिए घी लेके आती हूँ। ये ले, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। ज्योति जब मैं तुझे मना कर रही हूँ तो तू क्यों खिला रही है इसे? भाभी खाने दो ना, अब बच्चा है, बच्चे का दिल करा तो खा लेने दो ना। ये मेरा बेटा है, इसका अच्छा बुरा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरा अपना तो कोई बच्चा है नहीं। अरे तो तू क्या जाने माँ की चिंता, बस दिखावा करना जानती है। इतना ही बच्चों से लगाव है तो क्यों नहीं कर लेती है अपना बच्चा? बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। बुआ क्या मम्मी आपने उनको नाराज कर दिया ना? क्यों लड़ते रहते हो आप उनसे हमेशा? चुप कर, बड़ा आया बुआ का चमचा, खाना खा चुपचाप से। पता नहीं भैया, बस इतना पता है कि आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? हाँ भैया, भाभी को मेरी वजह से बहुत परेशानी होती है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी एक बेटी का मायका तो तब तक ही होता है ना जब तक उसके माँ बाप जिंदा हो। अब मेरा यहाँ है ही क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा भाई अभी जिंदा है, समझी? तू कहीं नहीं जा रही है। और रही बात सुधा की, तो उसे मैं भी देखता हूँ। सुधा! भैया मैंने कहा चुप रहो। सुधा, तुझे किसने बुलाया? अंदर जाओ। क्या बोला तूने ज्योति को? भर दिया काम तूने अपने भाई। और जुबान चल रही तेरी? भैया मारो मत ना। ज्योति तू अपने कमरे में जा। ज्योति मैं सब समझती हूँ, ज्यादा नाटक मत कर, ये सब कुछ तेरा किया धरा है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। ज्योति मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तू अपने कमरे में जा, इसकी याद में चर्बी निकालता हूँ। बहुत दिनों से इसकी पिटाई नहीं हुई है। ज्योति तू अंदर जा, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर जा। मेरी बहन को घर से बाहर निकालेगी तू? आज मैं जिंदा ही मार डालूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं। Ha ha ha!
ये ली। नहीं बाबा। अरे तो पागल है क्या? I'm done. इतना कम खाएगा तो बहुत कमजोर हो जाएगा। खा। भाई मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पापा, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। 5,000 रुपए। पिछले हफ्ते दिए थे ना पॉकेट मनी, उड़ा दिए। तू कर क्या रहा है? कॉलेज पढ़ाई करने जाता है ना, पक्का अपने दोस्तों को तोड़े होंगे। वैसे भी मेरे पास फिजूल खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय। अंकित ये ले 5,000 रुपया रख। वाह बुआ, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हो। चल ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगा, जा वरना लेट हो जाएगा। भैया और कुछ चाहिए आपको? नहीं। सुधा कहाँ है? भैया मुझे तो लगता है वो नाराज है आपसे। मैं तो कहती हूँ आप जाकर के मना लोगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मना तो मैं उसे 2 थप्पड़ से भी दूंगा, मैं उसे अभी मना चाहता हूँ। अरे भैया क्या कर रहे हो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। बैठो आप, बैठो आप, बैठो। स्पीकर पे डालो। हेलो ज्योति। हाँ बोलो। कैसी हो? इतने दिनों बाद याद किया है। कम से कम मैंने फोन किया तो सही। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। देखो ज्योति, मैंने वापस लड़ाई करने के लिए फोन नहीं किया है। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से रूठना मनाना, बस। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले भैया से आकर बात कर लो। या फिर वही बात, भैया से क्या बात करनी है? अरे हम दोनों के आपस का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे ना। और तुम भैया को हर बार बीच में क्यों लेके आ जाती हो? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। अगर भैया से बात नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं आने वाली। ज्योति तुम और तुम्हारा भाई ना कभी नहीं समझोगे। रखता हूँ। सॉरी भैया। देख ज्योति, जब तक दीपक सियोरिटी ना देना कि दोबारा तुम्हारे साथ मारपीट ना करेगा, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ भैया आप टेंशन मत करो, जब तक आप नहीं बोलोगे ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। जब दीपक तुझे बुला रहा है तो तू चली क्यों नहीं जाती है? पर तू कैसे जाएगी? तुझे तो यहाँ हराम के खाने की आदत पड़ गई है ना। भाभी मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। इसको तो बताती हूँ मैं। ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर्स और ये रहा मेरा साइन। अब खुश? बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूं? जैसे तुम चाहो। चाहती तो बहुत कुछ। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ।
दीपक तू? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, आओ ना अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? जी। ज्योति ये देखो दीपक आया है, पानी लेकर आओ। जी भाभी आओ ना, तुम अंदर आओ। घर पे सब लोग कैसे? एकदम बढ़िया। और तुम्हारा काम कैसे चल? बहुत अच्छा चल रहा है। आओ बैठो। जी। आ ज्योति। हाँ भैया वो दीपक आया है। मैं भी आता हूँ। कैसी हो तुम? ठीक। कुछ सोचा तुमने? भैया आ रहे, वही बात करेंगे। भैया मैं ज्योति को लेने आया हूँ। ज्योति देखो, पुरानी बातें भूल जाओ और चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे भूल जाओ? आयशा तुम करो और इल्जाम मुझ पे लगाओ कि मेरा कैरेक्टर खराब है। ज्योति ऐसा नहीं है, अब तुम सारा दिन फोन में चिपकी रहोगी तो मुझे शक ही होगा ना। देखो मैं कोई अयाशी नहीं करता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और चलो। ज्योति दीपक बिल्कुल सही बोल रहा है, और आगे की सोचो कि क्या करना है। चुप हो जाओ सुधा। दीपक मैं भी चाहता हूँ कि ज्योति अपने घर जाए, खुशी खुशी रहे। कौन भाई चाहता है कि उसकी बहन का घर उजड़े? इसे घर ले जाना चाहते हो? ले जाओ, इस श्योरिटी के साथ कि दोबारा उसके साथ तो मारपीट नहीं करोगे। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज्योति के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। वादा नहीं, मुझे गारंटी चाहिए कि तुम अपने प्रॉपर्टीज का काम करोगे, फिर चाहे तुम इसे ले जा सकते हो, ताकि तुम चाह कर भी इसे घर से नहीं निकाल पाओगे। बहुत सही भैया। मतलब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं और खुद सड़क पर आ जाऊं? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन शराफत से रहेगी मेरे साथ में? अगर कल कोई किसी के साथ भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी भी गई और मैं भी। तो भूल जाओ ज्योति को, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। यही उम्मीद थी मुझे। ज्योति मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम चल रही हो या नहीं? समझ गया मैं। तुम क्यों चलोगी? तुम दोनों भाई बहन ना हो ही एक नंबर के कमीने, एक नंबर के लालची। दीपक प्रॉपर्टी नाम नहीं की ना तो नहीं जाएगी मेरे साथ में, और प्रॉपर्टी नाम करूंगा तो चलने के लिए तैयार है। साला सारा खानदानी लालची है, नीच कहीं के। बहुत बोले तो चल निकल यहां से। तूने तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करता हूं। तू देख, बहुत बोलिया तू, बहुत बोलिया तू, चल निकल यहां से। देख तू मैं क्या करता हूं, चल निकल जा यहां से। क्या कर रहे हो? ज्योति, अरे ज्योति, ज्योति, ज्योति मेरी बहन, तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? From love. सब ठीक कर देता। क्या हुआ? मुझे ला रही है। क्या है ये? मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करते हो, और बाहर की औरतों से चोच में चोच लड़ाते हो। चलो चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ मुझ पे तो रोज झाड़ोगे। घर की मुर्गी हो ना, जो चाहे वो करो,
मारो काटो, अरे दिल करे तो मार कर खा जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक जवान बेटे के बाप हो तुम। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी इस करतूत का इस पे क्या असर पड़ेगा? पापा चुप, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तू ऐसा नहीं मानेगी, तुझे अभी ठीक करता हूँ मैं। भाई क्या कर रहे हो? मारपीट? हट जा ऐसे। अंकित को लेकर अंदर जाओ। भाई ऐसा मारपीट मत करो, भाई रहने दो। भैया मैंने कहा ना, अंकित को लेकर रूम में जाओ, बस अंदर जाओ, अंदर जाओ। ऐसा नहीं मानेगी ना, बहुत मुंह चल रहा है तेरा। वो मम्मी, कुछ नहीं होगा, बहुत मुंह चल रहा तेरा। पापा मार रहे हैं। कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। आवाज आ रही है वो? ठीक है, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। शांत हो, शांत हो, प्लीज शांत हो जाओ। क्या है सब, क्या है ये सब? है ना, इससे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या है सब? सागर, किसने किया ये सब? मैं कहीं मोदी खाने के काबिल भी नहीं बची। सब कुछ खत्म हो गया सागर। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब तुमने नहीं किया ये सब? सागर तुम पागल हो क्या? मैं ये सब करूंगी। किसने किया सब? सब कैसा? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं सागर, तुम अरे कहाँ चले जाओ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ देने के लिए। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, तुम रो मत, नहीं 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 नहीं। ये लो टिफिन। थैंक यू माँ। और हाँ, पूरा खाना खत्म किया करो। जी। बाय पापा। बाय बाय। मुझे मंदिर जाना है, चल साथ में चलते हैं। चल। चल। अच्छा, मुझे चाय नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी। ये लीजिए अपनी चाय। मुस्कुरा भी दिया करो। बस बस, ये रोमांटिक बातें ना आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये उस फोटो वाले के साथ ही किया करें, ज्यादा अच्छा लगता है। प्यार से बात कर लो तो बीवियों के भाव बढ़ जाते हैं। सुधा देखो कोई है। आपका कोरियर है? सागर यहाँ आइए। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है अपना? ये क्या है? क्या है ये? बैंक से पेपर आया, आपने 50 लाख का लोन लिया, उसी के पेपर आए। ओ, मतलब ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर और ये रहा मेरा साइन। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जरूर उसी चुड़ैल के पास जा रहे होंगे। चुप रहोगे तुम?
देखिए सर, ईएमआई मैं नहीं भरूंगी, ईएमआई वो चुकाएंगे जिनके पेपर्स गारंटी के तौर पे आपके पास रखे हुए हैं। सो प्लीज आप उनको कॉल कीजिए, मैं फोन रखती हूँ। नैना, क्या है सब? तूने तो मुझसे कहा था कि तू 5 लाख का लोन ले रही थी और तूने 50 लाख का लोन ले लिया और वो भी मेरी प्रॉपर्टी पे। इसका ईएमआई कौन भरेगा? कौन भरेगा इसका ईएमआई? देखो सागर, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने लोन ले ली और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है तो लोन भी तुम ही चुकाओगे। कुमिनी, मुझे तो मैं मासूम समझता था, लेकिन तू एक नंबर के डाई निकली और तो तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ मुझे और चला जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। और वो जो फोटोग्राफ्स है ना, वो अभी भी मेरे पास है सबूत के तौर पे, जिससे ये साबित होता है कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा रेप किया है। चला जाए यहाँ से। ठीक है ना, मैंने सही नहीं किया, पछताएगी तू। जा यहाँ से और सुन, टाइम टू टाइम ईएमआई भरते रहना। जा यहाँ से। फुफा जी, ये किस लड़की के साथ है? ज्योति, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ नहीं आती तो सागर मुझसे कभी दूर नहीं जाते और ना उस चुड़ैल के चक्कर में फंसते, समझी तू? भाभी बस भी करो, कब से सुनाई जा रही हो, कब से कब अंकित के सामने तो मत लड़ो। अंकित से छुपा ही क्या है, अरे उसे भी तो सब पता होना चाहिए कि उसका बाप और उसकी बुआ घर की कैसे बर्बादी कर रहे हैं। अंकित तू अंदर जा बेटा। माँ बुआ आप दोनों लड़ो मत प्लीज। अंकित तेरी बुआ ने कहा ना, तू अंदर जा। भाभी आप सारी गलतियों के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं। गलती आपकी है, आपको जो भैया को प्यार देना चाहिए वो तो आपने दिया नहीं, इसीलिए भैया दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े और सारी गलती आप मुझ पर डाल रही हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों भाई बहन तो दूध के धुले हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब है। हाँ हाँ, हम दोनों भाई बहन बहुत खराब हैं, दूध की धुली तो सिर्फ तुम। आ गए तुम उस चुड़ैल से मिलकर? क्या कहा उसने? कहीं धक्के मार कर घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? देखो मेरा मूड बहुत खराब है, तुम अलग से मूड खराब मत करो, चुप रहो तो मेरे हाथ से कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ, मारो पीटो मुझे और पैसे उड़ाओ उस चुड़ैल पे। क्यों उसको गुस्सा नहीं दिखाया? गुस्सा क्यों दिखाओगे, उसके सामने आते ही तुम्हारी तो लार टपकने लगती है। अरे पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते होगे। चौथ से मार दूंगा मैं। भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया चल जा यहां से। भैया बहुत बात चल रही तेरी। अरे काट जा यहां से भैया, और तुझे छोड़ूंगा नहीं। भाभी आप जाओ, भाभी आप जाओ। अरे क्या छोड़ यार, भाभी भाभी तुम जाओ, छोड़ मुझे। भाभी अरे क्या छोड़, भाभी आप जाओ। क्या कर बचेगी नहीं मेरे से? शांत शांत हो जा, अब इतना क्यों पी लेते हो? आपने बहुत ज्यादा दारू पी रखी, आप पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, चलो अब बैठो। बच गई आज, चल से ही मार देता आज। Mom, Papa, Bua, Mom.
माँ ये सब क्या हुआ माँ? अंकित ये सब दिनेश जी सर एक काम करो पंचनामे के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो ओके सर ये आपके पति थे जी सर ये मेरे पति सागर और ये मेरी ननद ज्योति जब ये सब हुआ उस वक्त आप कहाँ थे सर मैं अपने कमरे में थी कल मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ था तो वो गुस्से में यही हॉल में सो गए और मैं अपने कमरे में ये मेरा बेटा अंकित है सुबह मेरी चीख सुनकर उठा था आप दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ मेरे पति का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था मैंने पता करवाया था उसका नाम नैना है उसने धोखे से मेरे पति की प्रॉपर्टी पे 50 लाख का लोन ले लिया बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ था आपको किसी और पर कोई शक किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा वगैरह हाँ मेरी ननद ज्योति उसका पति दीपक वो उस दिन मेरे पति को धमकी देकर गया तूने मुझ पर हाथ उठाया निकल यहाँ से देख तू मैं क्या करता हूँ दिनेश जी सर एक काम करो ये नैना और दीपक दोनों के डिटेल्स निकलवाओ और इनको पुलिस थाने लेकर आओ ओके सर सर मुझे यहाँ क्यों लाया था मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया है एक आदमी की प्रॉपर्टी हड़प ली उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और कह रही कि कुछ नहीं किया है सर ये बात सच है कि मैंने उसे धोखा दिया मैंने उसके प्रॉपर्टी पे लोन लिया लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है सर मैं सच बोल रही हूँ अगर तुमने उसका मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे पार्टनर ने किया होगा क्यों मिस्टर दीपक नहीं सर हम दोनों ने उसे बेवकूफ जरूर बनाया लेकिन हमने उसे मारा नहीं है अगर तुमने नहीं मारा तो उस रात उसके घर क्यों गए थे तुम्हारे मोबाइल लोकेशन की पूरी हिस्ट्री हमारे पास है सर मैं बताता हूँ दरअसल ज्योति ने मुझे फोन करके बुलाया था उसे पता चल गया था कि मैं और नैना एक दूसरे से मिले हुए हैं इसलिए उसके फोन आने पर मैं कल रात उसे मिलने गया था मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना किसी गिर सकते हो तुमने नैना का इस्तेमाल किया मेरे भैया को बर्बाद करने के लिए अरे मैं तो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच रही थी भैया से बात भी करने वाली थी लेकिन अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी नहीं नहीं ज्योति प्लीज तुम मुझे तलाक मत दो देखो मैं मानता हूँ कि नैना को मैंने ही सागर के करीब जाने के लिए कहा था और वो फोटोग्राफ्स वो भी मैंने ही रखवाए थे ताकि तुम्हारे घर पर क्लेश पड़े और तुम परेशान होकर मेरे पास लौटाओ मैं ये सारी बातें सागर भैया को बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा और वो 50 लाख रुपये वाला कांड उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है वो सब नैना का किया धरा है प्लीज़ मेरी बात का यकीन मानो प्लीज़ अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो कल सुबह आकर भैया से माफ़ी मांग लेना अभी जाओ यहाँ से ठीक है देखिए सर हम दोनों ने किसी को नहीं मारा उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए ठीक है भले ही तुम दोनों ने किसी का कत्ल ना किया हो लेकिन धोखाधड़ी के केस में तुम दोनों अंदर जाओगे क्योंकि कानून गुनहगारों को कभी छोड़ता नहीं है सॉरी सर सागर मैडम केस से रिलेटेड एक क्लू मिला है तक रोएगा बेटा ऐसे चल कभी कुछ खा ले मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ सर आप लोग इस वक्त यहाँ हम इसे अरेस्ट करने आए इसे क्यों अरेस्ट करने आए क्योंकि ज्योति और सागर का इसी ने खून किया है क्या ये तुम्हारा है ना मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है ले जल्दी से इसको पहन ले
अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। ज्योति जी, ज्योति के पोस्टमार्टम के समय हमें उसके मुट्ठी से मिला था। हो सकता है मरते वक्त उसके हाथ में आ गया हो, और सुबह जब बॉडी अकड़ गई थी तो हमें दिखाई नहीं थी। अब सच बताओगे, तुमने दोनों को क्यों मारा? क्या करता, मेरे पापा बहुत बुरे थे, मेरी मम्मी को रोज मारा करते थे, मुझे बहुत डर लगता था। पापा चुप, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मेरी माँ और मैं हमेशा खौफ में जीते थे। एक दिन तो पापा ने हद कर दी, अगर मेरी माँ वहां से भागती नहीं पापा उन्हें जान से मार देते। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पापा को मार दूंगा। मैंने अपने पापा को मार दिया। लेकिन तुमने ज्योति को क्यों मारा? क्योंकि उनकी वजह से मेरी माँ और मेरे पापा में हमेशा लड़ाई होती थी, और उन्हीं की वजह से मेरी माँ हमेशा मार खाती थी। और उस दिन मैंने फूफा जी को उस लड़की नैना के साथ देखा। और मैंने ये सारी बात बुआ जी को बताई। बुआ, मैंने फूफा जी को लड़की के साथ देखा, जिसके चक्कर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था। वो नैना, वो उनके साथ कार में जाते हुए देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिले हुए हैं। तूने ये बात भाभी को बताई तो नहीं ना? नहीं, मैंने किसी को बताई तो नहीं। अच्छा, क्या सुन, जब तक मैं ना बोलूँ तो ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? चल ठीक है, अब तो टेंशन मत ले, जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। तो बुआ जी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, मुझे लगा बुआ जी भी उनके साथ मिली हुई है। और जब मैं अपने पापा का खून कर रहा था तो बुआ जी ने मुझे देख लिया। डर गया था बुआ जी सारा सच सबको बता ना दे, इसीलिए मुझे मजबूरन मारना पड़ा। और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अंकित, मुझसे बात कर लिया, एक बार मुझसे पूछ लिया होता, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। देखिए, आप लोग के साथ जो हुआ वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं। अरेस्ट करो इसे। माँ।